नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे नारम स्टूडियो में कि लोगों को कैसे सेट करते हैं, किस पोजीशन पे रखना है, किस ऑप्शन में जाना है, क्या करना है। सबसे पहले हम अपने एप्लीकेशन के अंदर आएंगे और यहाँ आने के बाद हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं, प्लेयर इनपुट एलिमेंट प्रोफाइल अबाउट सेटिंग। तो हमें सबसे पहले जो ये प्लेयर पे जितने भी ऑप्शन दिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जो भी ये 15, 16, 17 ऑप्शन दिख रहे हैं, इनमें से किसी भी चीज़ की आपको सेटिंग करना है तो आपको जाना है सिंपली एलिमेंट पे। एलिमेंट पे जब आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर मैं लोगों की बात करूँ तो लोगों पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आप देख रहे हैं मैंने सेट कर रखा है, लेकिन जब आप कोई दूसरा लोगो, आप जैसे मान लीजिए यही लोगो को आप फिर से करते हैं, ठीक है, कोई दूसरा लोगो ही हम ले लेते हैं, ठीक है, जैसे ये आ गया तो ये आप देख रहे हैं बड़ा भी है, छिप रहा है, साइज नहीं है, सेम साइज का नहीं है। तो इन्हीं सब की सेटिंग के बारे में आज मैं बात करूँगा। तो सिंपली एक बार फिर से देखिएगा, एलिमेंट में आना है, प्लेयर पे आना है, प्लेयर पे अपना लोगो ऑन कर लेना है। लोगो ऑन करेंगे तो इससे ये फ़ायदा रहेगा कि जो भी आप आउटपुट देंगे वो आप जो भी इनपुट देंगे वो आउटपुट आपको स्क्रीन पे दिखेगा, ठीक है, जो काम करेंगे इधर आप देखते रहेंगे तो आपको आसानी होगी। एलिमेंट में आइए, एलिमेंट में लोगो पे क्लिक करिए। लोगो पे क्लिक करने के बाद सिंपली अपना जो भी अपलोड लोगो है अपलोड कर लीजिए। सेटिंग में आइए, सेटिंग में आपको ये ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहले तो आप इसको रीसेट कर दीजिए। जब आप रीसेट कर देते हैं तो अगर लोगो छिपा है, दिख नहीं रहा, तो ये आपको यहाँ पे दिखने लगेगा, ठीक है। अब इसके बाद अब इसको आप लेफ्ट, टॉप, स्केल, इन सब की मदद से छोटा बड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए आपका लोगो ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक है। स्केल की मदद से आप लोगो को छोटा कर सकते हैं। लोगो छोटा हो गया है, ठीक है। अब इस लोगो को आप ये आप ऊपर नीचे दाएं बाएं अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, जिस भी पोजीशन पे आप रखना चाहें। ये मैंने एक फ़ोटो लिया है लेकिन आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब ये हमारा लोगो सेट हो गया है। सेट होने के बाद अब हमको यहाँ पे आना है, ठीक है, लोगो हमारा ऑन है। अगर हम यहाँ पे मान लीजिए जैसे बाइट प्ले करते हैं, ठीक है, अभी तो बाइट अटैच नहीं है, लेकिन जब हम बाइट प्ले करेंगे तो हमारा लोगो यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट रिकॉर्डिंग करेंगे, जब देखेंगे तो लोगो एकदम कॉर्नर पे हमारा बिल्कुल है। ऊपर करना चाहते हैं तो ऊपर कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा नीचे ही रखेंगे इसको। बहुत सिंपल है, ठीक है। एक बार मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, एप्लीकेशन के अंदर आना है, लोगो को ऑन करना है, एलिमेंट पे जाना है, एलिमेंट में जाने के बाद लोगो के ऑप्शन पे क्लिक करना है, वहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे यहाँ पे आपको स्केल से छोटा बड़ा कर सकते हैं, टॉप से आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेफ्ट से दाएं बाएं कर सकते हैं। यही सिंपल सेटिंग है, ठीक है। तो आप आगे से आपको कोई भी दिक्कत आए लोगो से रिलेटेड, आप इस तरह से अपने लोगो को मैनेज कर सकते हैं। धन्यवाद।